हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ही बढ़िया, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। आज हमारा यहाँ पे लास्ट डे है, तो आज हम सिर्फ शॉपिंग एंड थोड़ा सा घूमना फिरना करेंगे। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, आज बहुत लेट आँख खुली है। तो बस निकलते हैं, रेडी होके सीधा आपको मार्केट में मिलता है, ठीक है? हम आपसे एक बात पूछते भाई साहब, बताइए बताओ तुम्हें शॉपिंग में कितना इंटरेस्ट है? अपनी करनी है तो बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा ज़ोर से बोलो ना। अपनी करनी हो तो ज़्यादा होता है, अपनी करनी हो तो ज़्यादा होता है, और दूसरे की में सिर्फ बोरियत होती है। चुप क्यों रहे हैं भाई? जो आगे भाई भाई चाहिए। हाँ हाँ, आगे जो तुम्हारी चले जाओगे हम पिटेंगे। अच्छा अच्छा, तुम्हें भी तो घर जाना है। हमने सोचा नहीं था ये, है ना? एक्चुअली हमें वाइफ को इसमें भी इंटरेस्ट है, क्योंकि हम उसे अच्छे दिलाते रहते हैं। ये कवर कर रहे हो तुम बात को, क्योंकि तुम्हें पता है हम ब्लॉग में डालेंगे। कवर नहीं, हम दिलाते रहते हैं शॉपिंग पे, हर महीने में दो एक बार ले जाते हैं। हाँ, और उसमें इंटरेस्ट कितना होता है तुम्हारा? नहीं, उसमें इंटरेस्ट होता है। और खर्चा वो तो हमारे ही होते हैं। ओह, ये भी बात। तो अभी हम लोग देहरादून की सबसे फेमस मार्केट में घूम रहे हैं, पल्टन बाज़ार है ना, पल्टन बाज़ार। ये काफ़ी पुराना है और आपको मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट यहाँ मिलेगा 110%। बस आपको थोड़ी खोजबीन करनी होगी। और बोलो तो जॉब वैकेंसी भी मिलेगी? जॉब वैकेंसी भी अवेलेबल है यहाँ पे, यहाँ पे किसी भी दुकान में आप कभी भी लग सकते हो। अच्छा, हमको सिखा रहा है। हम आपको है ना, आप निकुल का स्कूल दिखाएंगे, काफ़ी पुराना स्कूल है ये, बेसिकली स्कूल है। इस स्कूल की खासियत ये है कि निकुल के निकलने के बाद ना ये स्कूल बंद हो गया है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे इस बच्चे निकले हैं। ध्यान से देखिए इस आदमी को। मैं आज भी जाता हूँ तो मुझे आज भी याद रखा जाता है स्कूल में। हाँ, तो तुमने शरारतें इतनी करी होगी ना? नहीं, तुमने सीधे बच्चे के रूप में जाना। अरे जाओ, चल झूठा, तुम्हें तो कोई ना सीधा समझता वे, मार्केट में सीधा समझता है। अरे जाओ। मीठा क्या चीज़ होती है? मीठा खाने के बाद जो प्रसन्नता होती है ना, मानी कैसा भी कितना भी गुस्से हो वो एकदम से मेल्ट हो जाता है मीठे के साथ। मीठा एक ऐसा है कि उसके बिना जिंदगी अधूरी है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल हम ये टेस्ट करते हैं। हमारा मीठा भी आ गया है ना, हम थोड़ा सा मीठा खाते हैं आजकल डाइट पे, है ना, थोड़ा सा खाएंगे, थोड़ा सा मीठा खाओगे, है ना। और ये भाई तो डबल डाइट पे हैं, तो ये और थोड़ा सा खा रहे हैं। हम चार खाएंगे, ज्यादा नहीं खाते हैं। चार कम है। मतलब कितनी पुरानी है ये? 50 साल के आसपास। ओहो, ज्यादा ही ना सर भाई। मतलब इतना मीठा है ना ये, लेकिन जो टेस्ट है भाई, पानी की जरूरत तो पानी दे 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 मतलब अलग, मतलब मुंह में जाते घुस रहा है। आप ये खाइए, बहुत मजा है। अब हमें खाने दो, बाय। अलग लेवल का खुश किया तुमने आज हमें मीठा खिला के। तुम पहले से क्यों नहीं खिलाया तुमने हमें? तुम्हें यही कह रहे थे, क्या कह रहे थे? चलो हमारे साथ, हमें कुछ स्पेशल खिला के लाएंगे, स्पेशल खिला के लाएंगे। हमें पता था आप भी हमारी तरह मीठे के बहुत शौकीन हैं, और ये पेट दुकानें कम से कम 50 से 60 साल पुरानी है, और वहाँ का जो मीठा है ना एक अलग लेवल का है। लिटरली मतलब मुंह में जाने के बाद ना वो लिटरली मेल्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो आप लोग आए यहाँ पे तो ज़रूर खाएं। कोतवाली चौक पे रोशन हलवाई 100% आप, और एक नहीं दो लेना, उसके साथ में वो पानी देंगे, पानी तो ज़रूर पीना ही पड़ेगा आपको, कोई और ऑप्शन ही नहीं बचेगा। आदमी ना संडे के दिन भी काम, मतलब काम 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 काम, इसके अलावा इस आदमी को कोई काम नहीं है ना। हाँ, साथ तो हमारे घर चले। तुम कभी जयपुर आओगे, तुम जयपुर आओगे, हम तुम्हें बताएंगे कैसे काम होता है। तुम्हें पूरा पूरा दिन काम काम काम, संडे के दिन भी तुम काम। ये जो आदमी हमें ऐसा बोल रहा है ना, ये कल और दो दिन से काम पे ही था।
चेंज द टॉपिक। और बताओ सर कैसा रहा? आप बताओ, आप बताओ। नहीं नहीं सर आप बताएं सर कैसा रहा सर, जरा तुम रहेंगे कैसा लगा सर? आप बोल ही सकते चीज़ें। इनकी ट्रैवल एजेंसी है निकुल भाई ट्रैवल एजेंसी, देहरादून आए तो इनसे संपर्क करें, ये उचित दाम में आपको परेशान करते हैं, कई कई बार निलाते हैं है ना। हमें गंगा जी में नहला के लाए अल्टीमेट अल्टीमेट हम राफ्टिंग करके आए थे, राफ्टिंग राफ्टिंग का अल्टीमेट मजा आप देखिएगा, बहुत मज़ा आया था भाई। वो इससे पहला वाला वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा, जिसने नहीं देखा वो दोबारा जाके देखो, राफ्टिंग का अलग मज़ा आया था। फ्रीजिंग वाटर बिल्कुल, बहुत गंदा ठंडा, मतलब हमारे नीचे नीचे का हमको पता नहीं चल रहा था कहाँ गया। और हम दो बार पहुँचे, ये एक बार नहीं भाई, हमें तो गाड़ी चलानी थी ना, हम आपके भरोसे गाड़ी छोड़ नहीं सकते थे। ये गिफ्टेड है, ये मेरी तरफ से निकुल को गिफ्ट है, ये वाला देखो, इनको है ना मार्बल्स का शौक है, तो मैंने पूरा पूरा लोअर देना, एक बार निकुल लगा के दिखाओ ना। नहीं तो हम लगाए, आधा आधा इंच नैरो करा के ना इसको एक साइड से ऊपर करके मार्बल मार्बल करते घूमेंगे। क्या निकुल भाई ऐसी और अमेजिंग चीजें क्या क्या है बताओ ना, जैसे पाइनएप्पल जूस सुपर्ब पाइनएप्पल विद पाइनएप्पल, एक्चुअली ये पाइनएप्पल का जूस है, पाइनएप्पल जूस क्या क्या पाइनएप्पल खिला रहा है यार देखो आप। मजा आ गया भाई देहरादून में स्ट्रीट फूड खाओ आप लोग, स्ट्रीट फूड में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा सीरियसली भाई। हमारे है ना अपनी लव के किस्से सुना रहे हैं, मैं बहुत मज़ा आ रहा है इनके किस्से सुनने में भी है ना। अब देहरादून में आज थोड़ा सा रश है ज़्यादा, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, मोदी जी आए, मोदी जी आए हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है। ये बहुत छोटी सी सिटी है हाँ, बट हल्के से क्राउड से भर जाती है हाँ, बहुत क्राउड हो रहा है। हमारी भी ऑलमोस्ट शॉपिंग हो चुकी है, अब हम गाड़ी लेने जा रहे हैं होटल में, वहाँ से निकल के फिर भाई को बाय बोलेंगे और फिर आगे की जर्नी दिखाते हैं आपको क्या होता है। और हम दोबारा मिलेंगे आपसे राजस्थान में, बिल्कुल अब ये आएंगे, इन्होंने प्रॉमिस किया है राजस्थान आएंगे, फिर हम इनको राजस्थान घुमाएंगे ठीक है, और राजस्थान इनके वीडियो में आप हमें राजस्थान में मिलेंगे बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम ये आपको मेरी वीडियो में ही दिखेंगे, उससे पहले कहीं और नहीं दिखेंगे। नहीं हम इतने बड़े अभी हम चैनल वगैरह नहीं चलाते हैं, हम अपने भाई के साथ ही आएंगे हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, चलो भाई भैया को बाय बाय हमारे, थैंक यू, बहुत मतलब बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ सीरियसली, दोबारा घूमेंगे हम बिल्कुल, एक और ट्रिप होगा देहरादून का हमारा 100% विद फैमिली होगा ठीक है। चलो निकुल को बाय बोल दिया, अब देहरादून ट्रिप हमारा यहाँ फिनिश और दूसरा ट्रिप अब शुरू, यहाँ से हम लोग अब जाएंगे हमारे गांव है ना जो रास्ते में पड़ता है, वहाँ जाएंगे, फिर एक शादी है वो अटेंड करनी है हमको है ना, मेरे कज़न की शादी है वो अटेंड करनी है, फिर वहाँ से जयपुर भी निकलना है, कल शायद भैया भी आ जाएंगे। बहुत अच्छा ट्रिप था है ना निकुल, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, स्पेशली भाभी उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जगह दिखाई है ना, और निकुल ने भी। गुड बाय इतनी खूबसूरत वादियों को, ये वादियाँ खूबसूरत खूबसूरत, अब इनको बाय बोलो, अपने डेजर्ट की तरफ चलो। Hey guys,
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और मेरी पहली ट्रैवल सीरीज़ भी पसंद आई होगी। और इस तरीके की अगर आपको ट्रैवल सीरीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जाते जाते आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना है। टिल देन मिलते हैं नए ब्लॉग में। ओके बाय।